नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से बीजेपी पार्टी ने खुद को खूब बढ़ाया है। एक पार्टी के तौर पर बीजेपी को नई पहचान तो मिली ही है, सम्मान भी बहुत बढ़ा है, लोगों का नजरिया भी बदला है। और हो भी क्यों ना, बीजेपी ने देश में इतना काम जो किया है, और जहां तक रही लगभग हर चुनाव में विरोधियों को पस्त कर देने की बात, तो बीजेपी की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, उसके लिए पहले से पहले तैयारी करती है, पहले से ही अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करती है। अब देखिए, कर्नाटक में इसी साल मई महीने में चुनाव होने हैं और पीएम मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। हालांकि गए थे गुरुवार को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने, जहां उन्होंने भव्य रोड शो भी किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को जनता का इतना प्यार और आशीर्वाद मिला जो देखते ही बन रहा था। रोड शो के दोनों किनारों पर लोगों की भारी भीड़ थी और पीएम मोदी दोनों हाथ जोड़कर इस प्यार और सम्मान को स्वीकार कर रहे थे। कर्नाटक के हुबली में हुए इस रोड शो के दौरान सड़क के दोनों किनारों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, हर कोई इस पल को जैसे अपनी आंख से ओझल होते नहीं देखना चाहता था। कुछ ऐसा माहौल हो गया था हुबली का। हालांकि पीएम के इस दौरे का मकसद चुनाव नहीं बल्कि राष्ट्रीय युवा उत्सव ही बताया गया। इस कार्यक्रम के बारे में पीएमओ की तरफ से जानकारी मिली थी कि इस प्रकार के मंच विविध संस्कृतियों को एक मंच प्रदान करने का काम करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी जोर मिलता है। इस बार हुबली में जिस राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया है, उसकी थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई है। इस कार्यक्रम को लेकर ऐसा है कि हर साल इसी दिन राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हजारों युवा कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। इसी कड़ी को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने अब रोड शो किया तो उनकी सुरक्षा में चूक का भी दावा किया गया। जी, जिस वक्त पीएम मोदी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, इसी दौरान भीड़ से निकलकर एक युवा पीएम की कार तक पहुंच गया था, उनको माला पहनाने की कोशिश करने लगा था। हालांकि हुबली धारवाड़ के डीसीपी क्राइम गोपाल बायकोट के मुताबिक पीएम की सुरक्षा कवर में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जिस शख्स ने पीएम मोदी को माला पहनाने की कोशिश की, उसके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं। बस इसी को सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है, लेकिन डीसीपी इसे चूक बताने से इनकार कर रहे हैं। वैसे जिस तरह का प्यार और सम्मान आशीर्वाद पीएम मोदी को मिला है इस रोड शो के दौरान, उससे बीजेपी को अपने पक्ष में माहौल तो लग गया होगा। रोड शो के दौरान रास्ते में पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, जिनमें से कई मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी का काफिला जब धीरे धीरे रास्ते से गुजर रहा था, तब लोगों ने उन पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती पर यहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करने पहुंचे थे। निश्चित तौर पर बीजेपी फिर एक बार यहां अपना ही राज कायम करना चाहेगी, कर्नाटक अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहेगी। शायद इसीलिए ही भव्य तैयारी की गई है। पीएम मोदी का ये शो मेगा शो साबित हुआ, जनता का उन्हें भरपूर प्यार मिला। वैसे पीएम मोदी के इस शो के बारे में और फिर इस शो को अगर चुनाव से जोड़कर देखा जाए, तो आपको क्या लगता है, क्या इतना प्यार और सम्मान देखकर आपको लगता है कि कर्नाटक में फिर से बीजेपी कमल खिला पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।